गाड़ी चल रही है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, लास्ट ब्लॉग में आप देखा होगा मैं दिल्ली आया हूँ, कुछ काम से कुछ शॉपिंग वॉकिंग करनी थी। तो आज का हमारा प्लान है, आज मैं जा रहा हूँ अपने मैनेजर से मिलने के लिए, प्रणव से, और एक बहुत मस्ती चीज़ दिखाऊंगा आपको, बहुत मस्ती जगह पे जाने वाले हैं, तो वो आप देखना आने वाले ब्लॉग में। तो अभी गाइज हम निकल पड़े हैं, अभी हम हैं दिल्ली की पता नहीं कौन सी जगह पे, दिल्ली की वो मैं बता नहीं सकता मैं आपको। मेरे साथ में शुभम और दिव्यांश चल रहे हैं, मेरे बॉडीगार्ड पीछे पीछे, और मैं चल रहा हूँ आगे आगे। लेकिन गाड़ी में जाते ही वो सीन चेंज हो जाएगा, मैं इनका ड्राइवर बन जाऊंगा क्योंकि इन दोनों गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो भैया इस थार में तो बैठ चुके हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा नोएडा, तो यहाँ से लगेंगे एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक देखो गाइस कितना खतरनाक हो रखा है यहाँ पे, और अभी एक घंटा और लगेगा यहाँ से 26 किलोमीटर के लिए, एक घंटा। पता नहीं गाइस आज की डेट में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, देखो दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, और वो सामने देखो फ्लाईओवर पे दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ तक जाम है। तो अभी गाइस फाइनली नोएडा पहुंच चुके हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से। देखो नोएडा कितना मस्त है, एकदम खुली खुली रोड है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रणव के घर के बाहर, मैंने कॉल कर दिया उनको, तो वो आएंगे अपनी गाड़ी लेके, फिर हम जाएंगे कहीं पे। तो फाइनली हमारे मैनेजर प्रणव भाई आ चुके हैं, और अपनी गाड़ी भी ले आए हैं। मैं पता क्या कह रहा था, थार इसके ऊपर चढ़ सकती है ना आराम से, बहुत नीचे है ना, थार का टायर ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं सुपर कार को लेके ट्रैक पे, प्रॉपर जो ट्रैक होता है ना वो है यहाँ पे, तो वहाँ पे चलाएंगे आज, तो फर्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने वैसे तो वीडियोस में देखा हुआ है ट्रैक पे चलते हुए, लेकिन आज देखेंगे रियल में तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फिलहाल निकलते हैं गाइस, मैं पोर्शे में जाऊँगा, बाकी सब थार में जाएंगे। चलो ओए शीशा का इसका, अच्छा अच्छा। तो अभी गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, बिकॉज फ्यूल बहुत, पेट्रोल डलता है ना इसमें, पेट्रोल डीजल तो अलग वाला डलता है, पेट्रोल 95, पेट्रोल भी अलग वाला डलता है इसमें 95 वाला। तो चलो गाइस पेट्रोल हो चुका है फुल, अब चलते हैं सीधा ट्रैक पे। वो थार तो बहुत ऊंची लग रही है। तो फाइनली गाइस ट्रैक पे पहुंच चुके हैं हम, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नाम है इसका। तो अभी अंदर जाने से पहले हमको कराना रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हम अंदर जा सकते हैं ट्रैक पे। और एक बात बताऊं गाइस, ये जो थार है ना ये मेरी नहीं है, ये प्रणव भैया की है, मेरी थार उनके घर पे ही खड़ी है, तो वो अपनी ले आए थे, लेकिन हमारी बिल्कुल सेम है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो अभी गाइस हमने यहाँ पे फॉर्म भी फिल कर दिया है, तो अभी गाइस रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है, चलें। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम जा रहे हैं मेन सर्किट पे। तो फाइनली गाइस ट्रैक पे पहुँच चुके हैं, और देखने में इतना मस्त लग रहा है ना, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, सारी सुपर कार से। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सुपर कार, आप अपनी कार भी ला सकते हो, है ना, यहाँ पे कोई भी अपनी कार भी ला सकता है ना, नॉर्मल कार्स भी नॉर्मल कार, लेकिन चार्जेस लगते हैं 1.5 लाख रुपए हैं इस ट्रैक पे चलाने के, अपन थार और फॉर्च्यूनर लेके आएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं, मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है, डर भी लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है सच्ची बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बिना हेलमेट के तुमको नहीं जाने देंगे, तो अभी हेलमेट मंगाए हैं, तो बिना हेलमेट के यहाँ पे ट्रैक पे आ ही नहीं सकते। फाइनली हेलमेट मिला, अब मैंने कैमरे को दोनों हाथों में पकड़ रखा है टाइट से। तो भी गाइस हमने देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, जो कि आपने देख लिया होगा, रेड वाली जो मतलब पूरी ठुक चुकी है, धुआं धुआं हो गया। तो चलो मेरा चक्कर तो हो गया, ज्यादा तेज नहीं भाई, मैंने कहा था कि बस स्लो रखना, बाकी अब बाकी सब घूमेंगे। बाय द वे साहिल और पीयूष बहुत मिस करेंगे, कहेंगे तुम मेरे को नहीं ले गया, मेरे को नहीं ले गया। सारी कार्स वापस आ चुकी हैं एक्सीडेंट के बाद, मतलब अब कोई भी मतलब राइड नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सारी गाड़ी खड़ी हैं, सारी सुपर कार्स हैं। काश पूरे इंडिया की रोड ऐसी हो जाएं, ये जो रोड है ना मतलब इतनी प्लेन है, मतलब इतनी प्यारी लग रही है ना, ऐसी रोड सारी हो जाए ना, बस मैं भी ले लूँ, फिर तो मैं भी ले लूँगा ये गाड़ी। वैसे मेरे को इतना ज़्यादा शौक नहीं है सुपर कार्स का, या फिर इस तरह से भगाने का, या फिर रेसिंग वगैरह का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आ गया बिकॉज जस्ट एक्सपीरियंस के लिए। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग कितने क्रेजी हैं, मतलब कितनी खतरनाक लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। और तो अभी इतने एक्सीडेंट वाली गाड़ी को हटा रहे हैं, इतने हम खाने पीने के लिए आए बिकॉज बहुत भूख लग रही है। तो अभी सैंडविच तो ले आए हैं, सैंडविच खाते हैं और फिर चलते हैं। तो अभी हमको मिली है दिल वाली कॉफ़ी, मेरे को तो भूख लगी थी तो मस्त खा लिया मैंने सैंडविच, अब चलते हैं। गाड़ियों की जो आवाज़ आ रही है ना इतनी खतरनाक है, जो कि मतलब वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकती, बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है। और अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ जाली लगी हुई है, और यहाँ पे सारा ऑडियंस के बैठने का, जहाँ पे कोई नहीं बैठा है। भाई ये क्यों खोल रखी है, सुनने में आया किसी ने गाड़ी फिर ठोक दी, किसी ने फिर भिड़ा दिया। मेरे पीछे देखो सारी सुपर कार्स खड़ी हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, मैं ऐसे खड़ा हूँ। आई थिंक रेस स्टार्ट होने वाली है, अनाउंसमेंट चल रहा है। अभी मेरे पीछे है कुछ 100-200 करोड़ की कार है, बस कुछ।
तो अभी गाइस हम तीनों ने तो राइड ले लिया, हमारा तो हो गया, अब चलेंगे यहाँ से वापस सीधा घर। लेकिन काफी अलग एक्सपीरियंस था, काफी नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। मतलब लाइफ में ना हर तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो उसमें से ये भी एक एक्सपीरियंस था जो कि आज हो गया, रैंडमली हो गया, कोई प्लान नहीं था मेरा कि मुझे करना है करना है। तो आज तो गाइस यहीं पे पूरा अंधेरा हो चुका है, चलो जल्दी मिलते हैं। तो भी गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, छुपते छुपते, मतलब ये डाल के लाया था मैं, फिर भी कुछ बच्चों ने पहचान लिया हमको। तो भी गाइस पारस भैया के रूम पे तो पहुंच चुके हैं, अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो वही बाहर खाना पड़ेगा, तो चलते हैं बाहर। तो भी गाइस सबसे पहले हम आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए। तो भी गाइस हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होगी, इसलिए हम चलते चलते जा रहे हैं, खाते खाते जाएंगे, चलते चलते जा रहे हैं, खाते खाते जाएंगे। तो भी गाइस खा पी के आ चुके हैं, अब फिलहाल सोएंगे बिकॉज सुबह निकलना है। तो हाँ, आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो भी गाइस हमारा तो हो चुका है, हम तीनों ने राइड ले लिया, बहुत मजा आया। ये एक मिनट बता रहा हूँ।